अजमेर जिला कलेक्टर अंशुदीप के मार्गदर्शन तथा एक पहल फाउंडेशन ब्यावर की प्रेरणा से जोधपुर निवासी भामाशाह गोपाल लाल लमनी कुमार सोनी की ओर से अजमेर स्थित अपना घर में सेवा कार्य किए गए। इस दौरान सोनी परिवार की श्रीमती गोदावरी देवी सोनी तथा अन्य पूर्वजों की स्मृति में अपना घर में रहने वाले 129 मंद बुद्धि व दिव्यांग महिला पुरुष प्रभुजनों को सर्दी से बचाव के लिए शूज भेंट किए गए। इस दौरान जिला कलेक्टर अंशुदीप की उपस्थिति में सभी को शूज भेंट किए गए। कार्यक्रम में सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक प्रफुल्ल चौबीसा, सोशल जस्टिस अजमेर अभिषेक कुमार, भगवान स्वरूप शर्मा, अपना घर अध्यक्ष सतीश राठी, एक पहल फाउंडेशन के राजेंद्र सोनी, प्रशांत भराड़िया, मुकेश चौहान, चंद्रशेखर अग्रवाल, मुकेश बंग, अमित बंसल, सुनील कोठारी, सतीश कर्ग तथा दिलीप भंडारी आदि उपस्थित थे। अपना घर के जो आवासी हैं लगभग 200 के लगभग, उनके लिए शूज, सॉक्स और महिला पुरुषों के लिए ये वितरण का कार्यक्रम यहाँ रखा गया था, जिसमें जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया। और जिला कलेक्टर महोदय का यही संदेश था इन सभी संस्था के जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता आए हैं कि भिक्षावृत्ति का एक जो अभियान चला हुआ है और एक निराश्रित लोग जितने भी हैं उनके लिए विशेष करके बहुत ही काम करने की आवश्यकता है। और ये ऐसा कोई काम नहीं है कि 2-5-7 दिन में हो जाएगा, इसमें काफ़ी समय लगेगा। बट जो स्टार्टअप या जो स्टार्टिंग लिया है अभी अजमेर जिले में, तो लगभग 885 लोगों को चिन्हित किया गया है और उनमें से 45 ऐसे भिक्षावृत्ति में लिप्त लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है। आज यहाँ पर नानी जी से मुलाकात जिला कलेक्टर महोदय ने की और वो बहुत ही प्रसन्न नजर आई। तो साथ ही ब्यावर की जो फाउंडेशन, उससे भी ये निवेदन किया गया है कि आप भी अपनी इस प्रकार की संस्था ब्यावर में संचालित करें और बेघर लोग, निराश्रित लोग या जो इस प्रकार के भिक्षार्थी में लिप्त हैं उन लोगों को उस प्रवृत्ति से मुक्त कर और समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। इसके प्रयास है तो सरकार अपने प्रयास कर रही है, बट जब तक सामाजिक कार्यकर्ता, संस्थाएं और आमजन जब तक नहीं जुड़ता तब तक उसमें आगे काम होना, जिस गति से अपन काम चाह रहे हैं वो काम नहीं हो पाता है।